ट्रेंडिंग प्लेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोवा के इतिहास के बारे में और आज क्या देखना है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यह भारत के दक्षिणी तट पर स्थित है। गोवा राज्य का कुल आकार 3702 वर्ग किलोमीटर 1429 वर्ग मील है। 2021 तक इसकी आबादी 1.6 मिलियन थी, जिससे यह जनसंख्या के हिसाब से भारत का चौथा सबसे छोटा राज्य बन गया। गोवा की राजधानी पणजी है। यह तिवाड़ी उपजिले में मंडोवी नदी के मुहाने के तट पर स्थित है। पणजी गोवा का सबसे बड़ा शहरी समूह है, जिसकी आबादी महानगरीय क्षेत्र में 1,20,000 है। मुख्य भूमि गोवा की 105 किलोमीटर की तटरेखा रेतीले समुद्र तटों, मुहाना और प्रांतों की विशेषता है। निचले वनाच्छादित पठार पश्चिमी घाट के आंतरिक भाग में जंगली ढलानों के साथ मिलते हैं, जो राज्य की पूर्वी सीमा पर 1,220 मीटर से अधिक तक चढ़ते हैं। मांडवी और दुवारी दो प्रमुख नदियां हैं, जिनके मुहाने इल्हास के बीच गोवा द्वीप स्थित है। द्वीप आकार में त्रिकोणीय है, शीर्ष केप के रूप में जाना जाता है, एक चट्टानी हेडलैंड है जो गोवा के बंदरगाह को दो लंगरों में विभाजित करता है। हालांकि गोवा का इतिहास प्रागैतिहासिक काल तक फैला हुआ है, गोवा की वर्तमान स्थिति केवल 1987 में बनाई गई थी। भूमि के मामले में भारत का सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद गोवा का एक विशाल और विविध इतिहास है। इसमें भारतीय इतिहास के साथ कई समानताएं हैं, विशेष रूप से औपनिवेशिक प्रभावों और बहुसांस्कृतिक सौंदर्य के संदर्भ में। ऊपरी पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, उसगोलिमल रॉक उत्कीर्णन भारत के मानव निपटान के कुछ सबसे पुराने संकेतों को दर्शाते हैं। लौह युग के दौरान मौर्य और सातवाहन साम्राज्यों ने आधुनिक गोवा पर शासन किया। गोवा पर कदम वंश, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत और बीजापुर सल्तनत का मध्यकालीन काल में शासन था। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण किया और बीजापुर की सल्तनत को हराया। पुर्तगालियों का कब्जा लगभग 450 वर्षों तक चला और इसका गोवा की संस्कृति, भोजन और वास्तुकला पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 36 घंटे की लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने 1961 में गोवा पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा अपने सफेद रेत समुद्र तटों, सक्रिय नाइट लाइफ, पूजा स्थलों और विश्व विरासत सूचीबद्ध वास्तुकला के कारण हर साल बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है। गोवा पश्चिमी भारत का एक राज्य है, जिसकी तटरेखा अरब सागर के किनारे फैली हुई है। 1961 से पहले एक पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में इसका लंबा इतिहास इसके संरक्षित 17वीं सदी के चर्चों और क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय मसाला बागानों में स्पष्ट है। गोवा अपने समुद्र तटों के लिए भी जाना जाता है। बागा और पालोलेम में लोकप्रिय हिस्सों से लेकर अगोडा जैसे मछली पकड़ने वाले गांवों में, गोवा ने लंबे समय से धूप, रेत और समुद्र की तलाश करने वालों के लिए एक आश्रय स्थल प्रदान किया है। 105 किलोमीटर की शानदार तटरेखा और रमणीय समुद्र तट सेटिंग्स की एक अंतहीन सूची के साथ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग अपनी समुद्र तट की छुट्टियों के लिए गोवा आते हैं। शांत और सुरम्य राज्य सभी विश्राम के बारे में है,
और वास्तव में आपको केवल एक ही तनाव का सामना करना पड़ सकता है, यह चुनने में कि गोवा में आपकी छुट्टी के दौरान किस समुद्र तट पर जाना है। गोवा में प्रसिद्ध समुद्र तट है मोरजिम, बागा, कैंडोलिम और कैलंगुट, सिंक्वेरिम, एरोसिम, मजोर्डा, बेनोलिम और वर्का, मोबोर, कोला और पालोलिम। गोवा न केवल अपने मस्ती भरे माहौल के लिए आगंतुकों को आकर्षित करता है, बल्कि यह उन आगंतुकों से भी भरा हुआ है जो इसके इतिहास को जानने के इच्छुक हैं और इसकी समृद्ध विरासत का पता लगाने के लिए प्यार करते हैं। गोवा के लोकप्रिय चर्च हर पर्यटक के लिए दर्शनीय स्थल हैं। कुछ पर्यटक अध्यात्म के लिए ऐसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, जबकि अन्य ऐसे स्थलों को देखना पसंद करते हैं। खैर, कारण जो भी हो, आपको इस पार्टी की भूमि में छुट्टियां बिताते हुए गोवा के शीर्ष 5 चर्चों में जाना चाहिए। शीर्ष 5 चर्च, जिन्हें आप बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, से कैथेड्रल, चर्च ऑफ अवर लेडी ऑफ द माउंट, चर्च ऑफ सेंट काजेटन और माई डी डेस चर्च को मिस नहीं कर सकते। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। बेसिलिका में सेंट फ्रांसिस जेवियर के नश्वर अवशेष हैं और यह पुर्तगाली भारत की ऐतिहासिक राजधानी ओल्ड गोवा में स्थित है। पुर्तगाली उपनिवेश क्षेत्रों में एक से होमोको बॉम जीसस शाब्दिक रूप से अच्छा या पवित्र जीसस के रूप में जाना जाता है। जेसुइट चर्च भारत का पहला छोटा बेसिलिका है और इसे बारोक और पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला के देश के उत्कृष्ट नमूनों में से एक माना जाता है। यह पुर्तगाली मूल के दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दूधसागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में मंडोवी नदी पर स्थित एक 4 स्तरीय जलप्रपात है। 310 मीटर की ऊंचाई और 30 मीटर की औसत चौड़ाई के साथ यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। गोवा के बरदेज में स्थित चापोरा किला चापोरा नदी के ऊपर ऊंचा उठता है। ये स्थल मुस्लिम शासक आदिल शाह द्वारा शाहपुरा नामक एक किले का स्थान था, जिसका नाम पुर्तगाली बदलकर चापोरा कर दिया गया। चापोरा किले पर पिछली कुछ शताब्दियों में कई शासकों का कब्जा रहा है। यह मोहम्मद आदिल शाह द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने 1627 और 1656 के बीच बीजापुर राजवंश पर शासन किया था। उन्होंने हिंदू हमलावरों के हमलों को रोकने के लिए यहां किले का निर्माण किया था। उस समय आदिल शाह के बाद शहर को शाहपुरा या शाहों का शहर कहा जाता था। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी वीडियो देखते रहें।